पिछले कई दिनों से हमारी पूरी टीम कंटिन्यूसली रिसर्च कर रही है कि कौन से प्रोडक्ट बेस्ट है ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए, किस में सबसे ज़्यादा पैसा है, किस में सबसे कम कंपटीशन है, किस में सबसे ज़्यादा डिमांड है, किसको स्टार्ट करना इजी है, किस पे लोगों ने ज़्यादा पैसे बनाए हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज मैं आप सभी के लिए 20 ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ जिसको आप इजीली ऑनलाइन ई कॉमर्स में सेल कर सकते हैं और अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, वो भी घर से, वो भी बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके। हेलो एवरीवन, मैं हूँ लक्षित सेठिया। मैं पिछले 5 सालों से लोगों को ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सेलिंग, ई कॉमर्स बिजनेस सिखाते आ रहा हूँ और आज मैं आप सभी को ऐसे 20 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स में सक्सेसफुल है। इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में आप दोनों जगह इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 20 प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज वगैरह भी देखेंगे, होलसेलर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना आपको सिखाएं और आपका ऑनलाइन बिजनेस चालू करने में आपकी पूरी मदद कर पाएं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसको चालू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत है, मार्जिन बहुत है और दूसरी चीज़ कि जिसकी डिमांड बहुत है वो है गिफ्ट्स। गिफ्ट्स एक ऐसा सेगमेंट है जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। गिफ्ट्स अलग अलग बदलते जाते हैं। पहले अलग टाइप की गिफ्ट्स चलते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह चलती थी और आगे आप जाते आओगे तो देखिए बहुत जल्दी स्मार्ट गिफ्ट्स भी मार्केट में आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अपने खुद का गिफ्ट का बिजनेस चालू किए और आज प्रॉफिटेबल है। रीज़न ये है कि जो भी पर्सन गिफ्ट खरीद रहा है वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होता, वो अपने लिए नहीं खरीद रहा है तो बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं करता। उसको आपकी क्वालिटी से मतलब है, आपकी सर्विस से मतलब है, बाकी अगर आपका प्राइस मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा। जो सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं देखता हूँ वो है एक वेबसाइट है जिसका नाम है IGP। आज ये $30 मिलियन की रेवेन्यू कर रही है। $30 मिलियन इन्होंने बेसिक ई कॉमर्स से चालू किया था। तो अगर आप कुछ नया चालू करने वाले हो सबसे पहली कैटेगरी आपकी गिफ्ट्स की होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी है स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी। बहुत सारे ब्रांड्स हैं आज इंडिया में, 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स है जो ऑनलाइन स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी बेच रहे हैं। सिल्वर ज्वेलरी की जो सबसे बड़ी ब्रांड है वो है जीवा। सिर्फ 3-4 सालों के अंदर आज जीवा का रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। सिर्फ यही नहीं, रनीशा जैसे बहुत सारे होलसेलर्स भी हैं जो आज रीसेलर्स को स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी दे रहे हैं और उनकी बदौलत बहुत सारे लोगों ने अपने खुद का बिजनेस चालू किया है। अगर आपको भी चालू करना है, ये वाली वीडियो हमारी ज़रूर जाके देखिए, पहले मैंने बनाया था। इसके अंदर एक होलसेलर है जिनका नाम है रनीशा जो स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी लोगों को देते हैं और लोग इनसे ज्वेलरी लेके आगे रीसेल कर रहे हैं और अपनी ब्रांड बना रहे हैं। तीसरी प्रोडक्ट की कैटेगरी है एक्सेसरीज जो सबसे ज़्यादा चल रही है। एक्सेसरीज यानी कि जो भी चीज़ें जो लोग इजीली वेयर कर सकते हैं, पहन सकते हैं, जैसे कि कैप्स हो गए, वॉचेज हो गए, चेन्स हो गए, कोई भी एक्सेसरी जो लोग अपने अटायर के साथ वेयर कर सकते हैं, बेल्ट हो गए। इसका मार्केट बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है क्योंकि इसमें साइज़ इशू नहीं है, ई कॉमर्स के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। इजीली आप कोई भी एक एक्सेसरी से अगर आप अपना बिजनेस चालू करते हो तो आप बड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हो। चौथा सबसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक्स। वो इसलिए क्योंकि कॉस्मेटिक्स है छोटा लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। शार्क टैंक पे भी हमने देखा रिकॉर्ड जैसी कंपनियाँ आई। इनफैक्ट शार्क टैंक की एक शार्क है जिनकी कॉस्मेटिक की एक ब्रांड है। तो कॉस्मेटिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन ईजिली सेल हो जाता है और जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ऐसा प्रोडक्ट है जो 110% आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। पांचवा प्रोडक्ट है मेंस ज्वेलरी। आजकल जितने भी मेंस हैं वो भी ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए हैं और बहुत सारी मेंस ज्वेलरी से रिलेटेड भी ब्रांड्स इंडिया में आना चालू हो गई है। एक ऐसी ब्रांड का नाम बताता हूँ जिसका नाम है ड्रिप प्रोजेक्ट। ये भी शार्क टैंक पे आया था। ये मेंस ज्वेलरी में डील करते हैं, मेंस की जो चेन्स होती है, क्यूबन्स होते हैं, ये सेल करते हैं। आज की डेट में बहुत सारे लड़के हैं, ये भी शौकीन होते हैं, ऑनलाइन बाय करते हैं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भी मेंस ज्वेलरी की अपनी ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। छठवीं कैटेगरी है गैजेट्स। अगेन गैजेट्स इज लाइक अ मॉडर्न ज्वेलरी। आज इंडिया में हर दिन कोई ना कोई नया गैजेट आता है जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं होता और यहाँ पे आप कोई भी एक गैजेट को लेके ई कॉमर्स वेबसाइट बना के अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो। इसकी सिंपल एक ट्रिक है, अलीबाबा में जाओ, देखो कि कौन सा चाइना में नया गैजेट लॉन्च हुआ है। जो भी नई चीज़ आपको मिलेगी उसको इंडिया में सर्च करो, IndiaMART में, कि कौन सा ऐसा सप्लायर है जो उसको चाइना से इंडिया लेके आ रहा है। उस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करो, अपने पास मंगाओ, अच्छी फोटोग्राफी करो और सबसे पहले इंस्टाग्राम से चालू करो बेशक। 7th कैटेगरी है सनग्लासेस। अगेन ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको होलसेल में 100-150 रुपये का मिल जाएगा और जिसको आप इजीली 1000-1500 रुपये में बेच सकते हैं, यानी कि 1000% तक की इसमें मार्जिन मिल जाती है। इसीलिए देखिए आज लेंसमार्ट के फाउंडर है, वो शार्क टैंक के जज है। 8वीं कैटेगरी है दोस्तों शूज़ ऐसी कैटेगरी है जो अगेन ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अगर हाई क्वालिटी के शूज़ है तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन सेल करोगे तो बहुत अच्छे चलेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो 8-8 हज़ार के फॉर्मल शूज़ बेचते हैं और उनका बहुत अच्छा ई कॉमर्स चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, रेयरवुड नाम की इनकी ये वेबसाइट है, सारे हाई क्वालिटी के शूज़ हैं, ये वो सेल करते हैं 8-8 हज़ार रुपये में, अच्छी खासी मार्जिन होती है, लोग खरीदते हैं और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसी शूज़ में अगर आप लो क्वालिटी पे जाओगे तो शायद आप बिज़नेस नहीं बना पाओगे क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 9th ऐसी कैटेगरी है जो हर कोई बाय करता है, वो है परफ्यूम। आप कभी भी परफ्यूम का अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। आप जानते होंगे राज शमानी, उसने भी अपना किंग के साथ परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया। शार्क टैंक पे भी आपने देखा होगा आदिल कादरी, उसने भी अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया। परफ्यूम ऐसी कैटेगरी का प्रोडक्ट है जो अभी भी हिडन है, जिसका बहुत बड़ा मार्केट है। आप आज चालू करते हो तो 100% आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर अपना बहुत अच्छा ब्रांड बना सकते हो। 10th प्रोडक्ट है होम डेकोर का प्रोडक्ट, पहले भी चलता था, आज भी चलता है और आगे भी चलता रहेगा क्योंकि हम हमेशा अपने घर को बेहतर बनाते जाते हैं और नए नए होम डेकोर के प्रोडक्ट्स मार्केट में आते जाते हैं, नए नए ट्रेंड्स आते जाते हैं और जो भी नए ट्रेंड आ रहे हैं वो आपको ईजिली अलीबाबा या अली एक्सप्रेस में देखने को मिल जाएगा। उसके सप्लायर्स आपको IndiaMART में इजीली मिल जाएंगे और वहाँ से आप उसका बिजनेस चालू कर सकते हो। 11वीं ऐसी कैटेगरी है जो वन ऑफ द टॉप सेलिंग है, इनफैक्ट जो मीशो ऐप है उसकी ये वन ऑफ द टॉप सेलिंग कैटेगरीज में से एक है और ये है आपके किचन वेयर प्रोडक्ट्स है, किचन ऑर्गेनाइजर्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो WhatsApp पे इजीली सेल होते हैं। आजकल बहुत सारी बायर्स है, वो फीमेल बायर्स होती है जो अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदती है। इम्पल्सिव बाइंग बहुत होती है, यानी कि कोई सर्च करके नहीं खरीदता, लोग जो है इन प्रोडक्ट्स को देख के भी एड्स में देखे, एड से सीधा गए व्हाट्सएप पे बात किए, वहाँ से खरीदे। इस तरीके की इम्पल्सिव ऑनलाइन सेल्स भी लोग करते हैं इसमें। अब दोस्तों 12th नंबर में मोबाइल और लैपटॉप एक्सेसरीज है जो बहुत ज़्यादा चलती है, जैसे मोबाइल के कवर्स हो गए, लैपटॉप के कवर्स हो गए, स्क्रीन गार्ड्स हो गए और अलग अलग टाइप के स्टिकर्स हो गए, स्किन्स हो गए, ये बहुत अच्छा चलता है। एक और एक आपका फेवरेट यूट्यूबर है टेक बर्नर, उनकी भी खुद की मोबाइल एक्सेसरीज की ही एक ई कॉमर्स है। अब 13 नंबर में दोस्तों है साड़ीज और कुर्तीज। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरीज में से एक है, जिसमें प्रॉफिट भी बहुत है, मार्जिन भी बहुत है। इन प्रोडक्ट्स को सेल करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन लाइव आओ, लोगों को लाइव दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, क्वालिटी दिखाओ और लाइव सेलिंग करो। लाइव सेलिंग चाइना में बहुत ज़्यादा चल रही है, इंडिया में आ रही है, लेकिन इस कैटेगरी में लाइव सेलिंग बहुत चलती है। दोस्तों 15 नंबर में जो प्रोडक्ट है उस पर बहुत पैसा है और ये है वॉचेस। अगेन वॉचेस एक ऐसी एक्सेसरी है जो मेल फीमेल दोनों यूज़ करते हैं, छोटी है, हाई मार्जिन है, उसमें लोग यूटिलिटी के लिए और फैशन के लिए, दोनों चीज़ के लिए खरीदते हैं। जितने आपके वॉच के होलसेलर्स हैं ये आपको बॉम्बे मनीष मार्केट में या फिर दिल्ली लाजपत राय मार्केट में मिल जाएंगे, यहाँ से आप लेके ऑनलाइन इजीली सेल कर सकते हो, बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते हैं। 16 नंबर में जो कैटेगरी है वो भी बहुत टॉप सेलिंग है, ये है कार डेकोर। बहुत सारे लोग हैं इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया कार डेकोर के प्रोडक्ट सेल करते हैं। आउट ऑफ इंडिया लोग अपने कार्स के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो इट्सी पे, अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे कार डेकोर के प्रोडक्ट्स बेचते हैं या कार एक्सेसरीज बेचते हैं। 17 नंबर पे है दोस्तों फ़ोटो फ्रेम्स। एकदम सिंपल प्रोडक्ट है, गिफ्टिंग के रूप में भी काम आ सकता है। OMGS नाम की एक वेबसाइट है जिसमें आप जाके देखोगे तो वो फ़ोटो फ्रेम्स ही बेचते हैं। सबसे बेस्ट है एक्रेलिक फ्रेम्स जो मार्केट में बहुत अच्छे से बिकता है, बहुत अच्छी मार्जिन होती है उसमें और इजीली आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर डाल के इजीली सेल कर सकते हो। लोग आज की डेट पे खुद के लिए भी फ़ोटो फ्रेम्स खरीदते हैं और गिफ्ट देने के लिए भी फ्रेम्स खरीदते हैं। जैसे ही आपको ऑर्डर मिले आप अपने होलसेलर से बनवा के उसको प्रॉपर पैक करके इसको डिलीवर कर सकते हो। इसका बिजनेस चालू करना बहुत आसान है। 18 नंबर में है यूनिक ईटेबल प्रोडक्ट्स। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंडिया से कैनेडा, इंडिया के जितने भी ट्रेडिशनल खाने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ईटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इंडियन स्नैक्स होते हैं जो सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, इसको ये आउट ऑफ इंडिया सेल करते हैं। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था और इसको वो सक्सेसफुली सेल कर रहे हैं प्रॉफिटेबली। तो यूनिक ईटेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो खाली एक ही जगह पे मिलते हैं, उसको आप ब्रांड बना के इजीली ऑनलाइन सेल कर सकते हो और इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, दोनों जगह डिमांड बहुत अच्छी है। 19 नंबर में दोस्तों है बेडशीट्स। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी अगेन डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जो बेडशीट बनती है पानीपत में बनती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, वहाँ से ऑल ओवर इंडिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी भी एक होलसेलर के साथ टाई अप करके आप भी इसको ऑनलाइन बिजनेस चालू कर सकते हो। और 20वें नंबर पे जो ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें रिटर्न एक्सचेंज किसी की कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट डिलीवरी टाइम भी बहुत कम है, और वो है ऑनलाइन कोर्सेज बेचना। ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, अगर आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं या फिर आप अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। ईजिली एक खुद का ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करके आप इसको बहुत से लोगों को आगे बेच सकते हैं। अगेन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हर कोई बहुत पैसा कमा रहा है। हमारे खुद के ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसमें मैं रीसेलिंग बिजनेस सिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, कैनवा डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखाता हूँ और हर साल हज़ारों लोग आते हैं हमारे इन कोर्सेज से सीख के जाते हैं। तो आप भी अपने खुद का वीडियो कोर्स क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा LMS सिस्टम आता है, वेबसाइट आती है जिसमें आप रख के वीडियो कोर्सेज को इजीली सेल कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो 20 प्रोडक्ट्स के आइडियाज मैंने बताए ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए ये आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो 1% भी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वायरी है, तो आप हमारी टीम से इस नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको मेरी पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।